जानते हैं सब, हमेशा हम इकट्ठे होते हैं। डोगरा सदर सभा ने जम्मू के मौजूदा हालातों को लेकर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्व सांसद शेख अब्दुल रहमान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता, पूर्व MLC नरेश गुप्ता, रिटायर्ड कर्नल करण सिंह जम्वाल सहित जम्मू के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया और जम्मू के मौजूदा हालातों पर चर्चा की। बैठक की जानकारी देते हुए डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुरचैन सिंह चाड़क ने कहा कि बैठक ने जम्मू में पिछले कुछ समय से अशांति के माहौल को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं, जिसमें सरोवर टोल प्लाजा को बंद करना, मुबारक मंडी को बचाने और भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं के साथ बात करने की सरकार से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि अगले कुछ दिनों में इन मुद्दों को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन भी किया जाएगा। उसके बाद हमने जो रेजोल्यूशन पास किया है, डिमांडें रखी हैं। एक तो जो टोल प्लाजा है इसको फौरन बंद किया जाए, दिल्ली वगैरह मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, मरण व्रत पर बैठे थे, उनमें से कई आज भी हॉस्पिटल के अंदर हैं, उनका ध्यान रखिए। अगर नुकसान हुआ तो जो हालात बनेंगे उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। और अगला हमने रखा है कि यहाँ हमारा हेरिटेज तबाह हो रहा है, चाहे मुबारक मंडी है, उस पैलेस को बदल के होटल बनाया जा रहा है, गलत है। हमारा आर्काइव है, उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गलत है। हमारे कल्चर के साथ, हमारी हेरिटेज के साथ खिलवाड़ ना करें। और हमारी सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल लीडर जो हमारे सामने बैठे हैं, सब ने मिलकर फैसला किया है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर एक एक्शन कमेटी बनाई जाएगी जो इन सब चीज़ों को मनवाने के लिए आगे कदम बढ़ाए।